प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए मेरठ के एक मुस्लिम पार्षद अपनी गाय को थाना परिसर लेकर पहुंचे, जहां मुस्लिम पार्षद ने सुरक्षा का हवाला देते हुए थाना परिसर में मौजूद पेड़ से गाय को बांध दिया है। पार्षद अब्दुल का कहना है कि जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर लगातार हिंसा हो रही है, ऐसे में उसे लगता है कि अब गाय को पालना बहुत मुश्किल है और वो नहीं चाहते कि उनके साथ भी ऐसी कोई घटना घटे। किस तरह गौ रक्षा की हमला कर देते हैं और असुरक्षित गाय पालने वाले, है ना। कल भी यहाँ एक घटना हुई शास्त्री नगर में, जिसमें उन पर कर दिया गया मारपीट कर, आप सबने जानकारी में। मैं कल का क्यों इंतजार करूँ, मैं इस हमले से इस झंझट से क्यों ना आजाद हूँ। फिर आपने क्या किया? मैंने ये किया कि मैं थाने के सुपुर्द कर रहा हूँ, क्योंकि सारे मामले गोरक्षक मारपीट कर कर थाने लाते हैं, उन्हें यहाँ बंद करा देते हैं मुस्लिमों को। ये गाय आपकी थी? जी मेरी। दुधारू गाय थी? नहीं जी। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा, किन लोगों को आपने सौंपी यहाँ पे? नहीं, मैंने अस्तो साहब को। अच्छा, अस्तो साहब कभी दी है? जो भी गोरक्षक दल या गोरक्षक या हिंदू संगठन इसे पालना चाहता हो, मेरी तरफ से इजाजत है, मैं इसे पालने में असमर्थ हूँ मुस्लिम होने के नाते। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से देश भर में गौरक्षा के नाम पर हिंसा हुई है, जिसके कारण गाय पालने वाले लोगों में काफी दहशत बढ़ी है। बहरहाल, मुस्लिम पार्षद के इस कदम के बाद अब योगी सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरठ से आदिल रहमान, पंजाब केसरी टीवी।